एपिसोड की शुरुआत में हीरो अपनी आंट से कह रहा था, अगर डैड की जगह मेरी मॉम होती तो ये सब गलती कभी हुई ना होती। प्लीज़ आप मेरी एक बात मान लीजिए और पॉप का ये प्रोजेक्ट सबमिट करवा दीजिए। तो उसकी आंट कहती हैं, ठीक है मैं सबमिट करवा दूंगी, पर इसलिए नहीं क्योंकि तुम ज़िद कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि पॉप एक अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली उसकी मॉम की वजह से बहुत टफ टाइम से होकर गुजर रही है। दूसरी तरफ पॉप अपनी मॉम से मिलता है। ये वही थी जो हीरो की स्टेप मदर थी। वो पॉप के लिए काफ़ी सारा ब्रांडेड सामान लेकर आती हैं, पर पॉप उन्हें लेने से मना कर देता है। तो वो पॉप से कहती हैं, क्या तुम अपने डैड के जैसा भिखारी बनना चाहते हो? अपने अंकल्स को देखो, सब लोग कितने आगे बढ़ गए हैं और तुम्हारे डैड कितने पीछे रह गए हैं। पॉप कहता है, मेरे डैड का जैसा बनने में क्या प्रॉब्लम है? कम से कम उन्होंने आज तक किसी को धोखा तो नहीं दिया, वो किसी को छोड़कर तो नहीं गए, और तो और ग्रैंड माँ का भी वही ख्याल रख रहे हैं। क्या मेरे अंकल में से किसी को भी ग्रैंड माँ की परवाह है? उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ पॉप, तुम एक बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। अब मैंने जब ये सब कुछ खरीद लिया है तो प्लीज़ ये सब ले लो। पर पॉप उस सब चीज़ों को ठुकरा कर वहाँ से चला जाता है। वो अपने काम पर जाता है और शॉप पर बैठकर अपनी माँ की बातें ही सोच रहा था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि मिस्टर डब्लू तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं, वो तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं, तुम्हें सब कुछ छोड़कर बस हमारे पास आ जाना है। पर पॉप अपने डैड को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वो शॉप में दो बच्चों को देखता है जो आपस में झगड़ रहे थे, पर उन दोनों की माएँ वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को सपोर्ट करती हैं। ये देखकर पॉप को थोड़ा सा दुख होता है। सुबह जब पॉप घर पहुंचता है तो वो देखता है उसकी ग्रैंड मॉम जागी हुई थी। वो उनसे कहता है, आप इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई? तो उसकी ग्रैंड मॉम कहती हैं, मुझे पता है कि तुम लेट नाइट काफ़ी ज़्यादा देर तक काम कर रहे थे, तुम भी अपनी डैड की तरह ही कर रहे थे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि घर के काम में तुम्हें मदद कर ही सकती हूँ ना। पॉप उनसे कहता है, थैंक यू ग्रैंड मॉम, पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन क्लास में पॉप सो गया था। हीरो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर पॉप एकदम गहरी नींद में था। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है, जो क्लास में बैठे टाइगर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। टाइगर उनकी तरफ ही देखे जा रहा था और ओनली टाइगर की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री बनने वाली है। ओनली टाइगर से पूछता है, तुम उनकी तरफ ही क्यों देखे जा रहे हो? तो टाइगर कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। ओनली उससे कहता है, अगर तुम मेकअप पहन लोगे ना तो तुम उनसे भी ज़्यादा प्रिटी लगोगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद टीचर कहती हैं, अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहले वो पॉप का नाम लेती हैं, पर पॉप गहरी नींद में था। हीरो अचानक घबरा जाता है। टीचर जैसे ही क्वेश्चन पूछती हैं, पॉप गहरी नींद में भी उनका जवाब दे देता है, जिसे देखकर हीरो एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसने आंसर भी एकदम सही दिया था। क्लास में सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और आंसर देने के बाद एक बार फिर से वो सो जाता है। अब टीचर हीरो से क्वेश्चन पूछती हैं। हीरो को जवाब नहीं आता था। वो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो हीरो कहने लगता है, मैं 2000 में पैदा हुआ था, क्या मुझे ये सब हिस्ट्री जानना ज़रूरी है? इससे पहले कि सब लोग हंसते, पॉप उसे सही आंसर बता देता है और हीरो क्लास में एकदम सही जवाब दे देता है। टीचर उसे भी अप्रिशिएट करती हैं। क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की हीरो से कहती है, क्या तुम्हें पता है पॉप के अंदर एक आत्मा है? जब पॉप सो जाता है ना तो उसके सारे क्वेश्चंस के जवाब वही आत्मा देती है। हीरो को ये बात सच लगने लगती है। वो पॉप की वाटर बोतल में कुछ एलर्जी की गोलियां मिला देता है, जिससे वो आत्मा को बाहर निकाल सके। पॉप को बुखार था तो वो बुखार की दवाइयों के साथ पानी पी लेता है, पर अचानक से वो बेहोश हो जाता है। उसे नहीं पता था कि पानी में कुछ और भी मिला हुआ है। टाइगर और ओनली उसके पास आते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तो टाइगर कहता है, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, हमें जल्दी इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। हीरो भी पॉप को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर पॉप को देखकर कहती हैं, इसने जो बुखार की दवाइयाँ खाई हैं वो एक्सपायर्ड हैं, पर एक्सपायर्ड दवाइयों की वजह से उसे चक्कर तो नहीं आने चाहिए थे, क्या उसने कुछ और भी दवाइयाँ खाई हैं? तो हीरो कह देता है, हाँ मैंने उसके पानी की बोतल में कुछ एलर्जी की दवाइयाँ भी मिला दी थी। हीरो पॉप के साथ ही रुकता है और उसका ख्याल रखता है। पॉप अचानक बेहोशी में उसे डैड बुलाने लगता है, तो हीरो कहता है, मैं तुम्हें डैड दिखता हूँ। पॉप को जब होश आता है तो वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हीरो कहता है, मैं तो तुम्हारा डैड हूँ ना, अपने डैड से ठीक से बात करो। पॉप कहता है, बकवास मत करो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हीरो कहता है, मैंने तुम्हारे पानी में एलर्जी की कुछ दवाइयाँ मिला दी थी, जिस वजह से तुम एक घोड़े की तरह सो गए थे। नर्स ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम्हारा बुखार अभी उतरा नहीं है, इसलिए चुपचाप से लेटे रहो।
पॉप कहता है, तुमने फिर मुझसे पंगा लिया, तुमने मेरे पानी में एलर्जी की दवाइयाँ क्यों मिलाई? तो हीरो कहता है, क्लास में मैं तुमसे बात कर रहा था, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, पर टीचर के क्वेश्चन का तुमने परफेक्टली आंसर दिया। एक लड़की ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई स्पिरिट है जो क्लास को अटेंड कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि उस स्पिरिट को बाहर निकाला जाए। पॉप कहता है, इससे ज़्यादा डम्बेस्ट चीज़ मैंने आज तक नहीं सुनी, तुमने सच में उन लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया, तुम बेवकूफ़ हो। पॉप वहाँ से उठकर जाने लगता है तो हीरो कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें यहाँ बैठकर रेस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, सच कहूँ तो मैं एडिक्टेड हो रहा हूँ, तुम्हें टीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और यहीं पर लेटा रहूँगा। पॉप उससे कहता है, और भी कई सारे बेड हैं ना यहाँ पर, किसी और बेड पर लेट जाओ, पर हीरो वहाँ से नहीं हिलता। शाम के समय हीरो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पॉप काम करता था। पॉप अभी भी नींद में था, हीरो उसे जाकर डिस्टर्ब कर देता है। पॉप कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है। हीरो उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक प्रेशर पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ, अगर तुम वहाँ पर प्रेस करोगे तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी और तुम अपने काम पर ध्यान लगा सकोगे। वो खुद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर एक प्रेशर पॉइंट को दबाने लगता है। अचानक से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और पॉप अपना हाथ तुरंत उससे हटा लेता है। वही दूसरी तरफ लाइब्रेरी में ओनली और टाइगर बैठे हुए थे। ओनली को काफ़ी ज़्यादा जुकाम था, टाइगर उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। ओनली अचानक अपना टिश्यू पेपर वहीं छोड़कर चला जाता है। टाइगर उसका टिश्यू पेपर उठाते हुए कहता है, कम से कम ये तो यहाँ से लेकर जाओ। एक लड़की जो ओनली पर पूरी तरीके से फिदा थी, वो टाइगर के पास आकर कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक हो कि तुमने ओनली का टिश्यू पेपर तक उठा रखा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ओनली कौन से टिश्यू पेपर यूज़ करता है, मुझे उसे ये गिफ्ट देने हैं। टाइगर उसकी बातों से बहुत इरिटेट हो रहा था। अगले दिन जब टाइगर क्लास में पहुँचता है तो सच में उस लड़की जिसका नाम तोंगनेन था, तोंगनेन ने ओनली के लिए टिश्यू पेपर का एक पूरा पैकेट वहाँ रख दिया था। ओनली जब क्लास में पहुँचता है तो ओनली को लगने लगता है कि शायद ये टिशू पेपर टाइगर उसके लिए लाया है, पर टाइगर उसे क्लियर कर देता है कि ये टिशू पेपर्स मैंने नहीं बल्कि तोंगनेन ने यहाँ रखे हैं। ओनली उससे कहता है, दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाओ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे बता सकते हो। स्कूल में पॉप से मिलने के लिए हीरो के डैड वहाँ आए हुए थे और वो उसे काफ़ी कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो पॉप कह देता है, मैं ऑलरेडी अपनी मॉम को कह चुका हूँ कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हीरो के डैड कहते हैं, आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों इतने ज़िद्दी होते हैं, मेरा बेटा भी बहुत ज़िद्दी है। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारा बड़ा होने के नाते एक एडवाइस देना चाहता हूँ। हम दोनों मैन हैं, मैन के पास सबसे ज़्यादा उसकी डिग्निटी होती है। तुम्हारी माँ मेरी वाइफ है तो तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें वो सब मिलना चाहिए जो तुम डिज़र्व करते हो। पॉप कहता है, जब से उन्होंने हमारा घर छोड़ दिया था तब से मैं उन्हें अपनी माँ नहीं मानता, अगर आपको कोई और बात नहीं करती तो मैं चलता हूँ, मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है। हीरो का फादर कहता है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जब एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी तो ये तुम्हारी माँ या मेरे लिए नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। पॉप कहता है, सर चाहे आप इसे मेरा घमंड समझें या मेरी इनोसेंस समझें, मैं नहीं जानता, पर मैं खुद पर विश्वास रखता हूँ, मैं खुद सफलता हासिल कर सकता हूँ। वो जाने लगता है तभी हीरो का डैड उसे कहता है, ये लेते जाओ, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ग्रैंड मदर के लिए दिया है। पॉप जब वापस कॉलेज में आता है तो वो देखता है हीरो का कुश्ती चैलेंज चल रहा था और वो सबको हराए जा रहा था। अब सब लोग कहने लगते हैं कि नेक्स्ट कौन है जो हीरो को चैलेंज करना चाहेगा। अब पॉप आगे आता है और हीरो को चैलेंज करता है, वो दोनों कुश्ती करना शुरू करते हैं, पर इस बार पॉप हीरो को हरा देता है, पॉप हीरो के बिल्कुल ऊपर था। अगले दिन उन लोगों के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन होने वाला था जिसमें सारे स्टूडेंट्स की मदर आई हुई थी और स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी मदर के लिए ऐसे लिखा था। टाइगर की मदर आकर पॉप से पूछती हैं, क्या तुम्हारे साथ जैज या ग्रैंडमा नहीं आने वाली इस साल? तो पॉप कहता है, नहीं, उन दोनों की ही तबीयत खराब है तो इस बार उन दोनों में से कोई नहीं आ पाएगा। टाइगर की माँ कहती हैं, अगर तुम चाहो तो आज के लिए मैं तुम्हारी मॉम बन सकती हूँ। तभी ओनली आकर कहता है, आप मेरी भी मॉम बन जाइए ना। टाइगर मना कर देता है तो टाइगर की मॉम कहती हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए मैं सबकी मदर बन जाती हूँ। वो हीरो से पूछती हैं, हीरो क्या मैं तुम्हारी भी मदर बन जाऊँ? तो हीरो कहता है, जो पॉप कहेगा वही मेरा भी आंसर होगा। पॉप कह देता है, नहीं आप रहने दीजिए, आज का मोमेंट आपके और टाइगर के लिए स्पेशल होना चाहिए। अब मदर्स डे के लिए जो ऐसे लिखा गया था उसके विनर की अनाउंसमेंट होने वाली थी।
हीरो को तो पता ही था कि विनर पॉप होने वाला है, पर पॉप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसका ऐसे तो पूरी तरीके से हीरो ने बेकार कर दिया। पॉप ने एक बार हीरो को बताया था कि इस कंपटीशन में उसके लिए जीतना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बदले में उसे 2000 रुपीज़ मिलेंगे। इसीलिए हीरो ने अपनी आंट से पहले ही बात कर ली थी, आंट जो कि इसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल को बुलवाया जाता है और जब वो विनर का नाम अनाउंस करती हैं तो पॉप पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। उसे आइडिया लग जाता है कि इसमें ज़रूर हीरो का कुछ किया हुआ है। वो हीरो के पास जाकर कहता है, ये सब क्या है, मेरा ऐसे तो पानी में भीग गया था ना, फिर ये कहाँ से आया। हीरो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नया ऐसे लिख दिया था। वो लड़का बेस जिसने पॉप के ऐसे को चुराया था वो उसके पास आकर कहता है, तुम चीटर हो, तुम डेडलाइन से पहले तो अपना ऐसे सबमिट ही नहीं कर पाए थे, फिर तुम कैसे जीत गए, ये सब कुछ चीटिंग है। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी ना, तुमने ज़रूर कोई फालतू की कहानी बनाकर लिख दी होगी। सब जानते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती, फिर तुमने उनके ऊपर ऐसे कैसे लिख लिया। ये बात सुनने के बाद हीरो को इतना गुस्सा आता है कि वो बेस को मारने लग जाता है। वो बेस के खून तक निकाल देता है। पहली बार पॉप के लिए किसी ने लड़ाई की थी। बेस की माँ जब उसके पास आती हैं तो हीरो उनसे कहता है, अपने बेटे को संभालिए, वो पॉप से इस तरह बात नहीं कर सकता। बेस की माँ कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी प्रिंसिपल यानी कि जो हीरो की आंट थी वो माइक पर चलाते हुए कहती हैं, सभी मेरे प्रिंसिपल ऑफिस आओ अभी के अभी। पॉप प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर हीरो का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़र उसी ऐसे पर पड़ती हैं जो हीरो ने अपने हाथों से लिख दिया था। हीरो जब बाहर आता है तो पॉप उससे पूछता है, तुम्हें सजा तो नहीं मिली ना। हीरो कहता है, हम लकी थे क्योंकि बेस जब तुमसे उल्टा सीधा कह रहा था तो टाइगर वहाँ अपने कैमरे के साथ खड़ा हुआ था और उसने सब कुछ कैमरे में कैप्चर कर लिया। हालांकि मुझे थोड़ी सी सज़ा तो मिली है, मुझे सारे के सारे थाई रूल्स पूरे 100 बार लिखने होंगे। पॉप उससे कहता है, मैं तुम्हारी लिखने में मदद कर दूंगा अगर तुम चाहो तो, तुम्हारी शर्ट पर तो खून लगा हुआ है, मुझे उतार कर दे दो, मैं इसे साफ़ कर दूंगा। हीरो कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही तो है, मैं खुद कर लूंगा। पॉप कहता है, चुपचाप मुझे निकाल कर दे दो, और वो खुद उसकी शर्ट निकालने लग जाता है। अब पॉप हीरो की राइटिंग में मदद करने लगा था, जिस बीच वो हीरो का हाथ पकड़ लेता है और हीरो उसकी तरफ ही देखता रह जाता है। पॉप उससे पूछता है, तुम अपने सौतेले भाई से बहुत नफरत करते होंगे ना। हीरो कहता है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, पर मुझे इस चीज़ से नफरत होती है कि लोग क्यों मुझे उससे कंपेयर करते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये विनती करता हूँ कि काश वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब हम दोनों साथ हैं, क्यों ना हम साथ में बियर पिएं। वो दोनों वहाँ से बियर के कैंस उठाते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर बियर पीते हैं। पॉप को धीरे धीरे बियर का नशा होने लगा था। वो हीरो से कहता है, बेस ने जो भी कुछ मेरी मॉम के बारे में कहा वो ऐसी नहीं है, मेरी मॉम ने बस दोबारा से शादी कर ली है और कुछ नहीं। कोई भी इंसान गरीबी को छोड़कर अमीरी अपनाना ही चाहेगा, पैसों के साथ लाइफ इजी हो जाती है, यही मेरी माँ ने किया। हीरो कहता है, शायद मेरी स्टेप मदर भी उसी तरीके से सोचती हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। वो पॉप के लिए न्यू शूज़ लाया था, वो उसके पुराने शूज़ निकाल देता है और उसे अपने लाए न्यू शूज़ पहना देता है। वो उसे कहता है, अब ये पुराने शूज़ इन्हें तुम फेंक देना। पॉप कहता है, नहीं मैं उन्हें नहीं फेंकूँगा क्योंकि वो मेरे डैड ने मेरे लिए खरीदे थे। हीरो कहता है, ठीक है तुम पुराने वाले रख लेना, पर तुम पहनोगे केवल नए वाले ही। पॉप अचानक से उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है। अगली सुबह जब पॉप की आँखें खुलती हैं तो वो अपने बेड में था और वो हीरो के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से उसे इरेक्शन भी हो गया था। अब वो हीरो की शर्ट को धोने के लिए बाहर आ जाता है। तभी आंट जैफ वहाँ आती हैं उसके लिए कुछ खाना लेकर। पॉप उनसे पूछता है, आंट क्या आपको पता है कि शर्ट से खून के धब्बे कैसे हटाए जा सकते हैं। जैब उससे पूछती है, खून कैसे लग गया शर्ट पर। तो पॉप कहता है, कुछ नहीं, मैंने बस अपना एक पिंपल फोड़ दिया था। जैब उससे कहती है, लाओ मैं ही इस शर्ट को साफ कर देती हूँ, तुमने अगर अपने डैड से करवाया तो उसका कलर कुछ और ही हो जाएगा। पॉप कहता है, नहीं मैं कर लूँगा, आप बस मुझे बता दीजिए कि कैसे करना है। जैब उससे कहती है, तुम लेमन का यूज़ करो, उससे ये क्लीन हो जाएगी। वो सॉल्ट और लेमन लेकर आती है और खुद ही शर्ट को क्लीन करने में लग जाती है। पॉप तुरंत हीरो की शर्ट को छुपा लेता है।
उधर हीरो की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सीधे उसके डैड खड़े थे। वो उनसे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊँगा? मैं बस देख रहा था कि तुम कब तक इस तरह अकेले घूमोगे। और अब तो तुमने हद ही कर दी है। स्कूल में तुमने दूसरे लड़के के साथ लड़ाई की? तुम मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने में लगे हुए हो। हीरो कहता है, अच्छा तो आपको मेरी चिंता नहीं थी बल्कि अपनी रेपुटेशन की चिंता थी। तो उसके फादर कहते हैं, तुम अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हो हीरो, तुम्हें एक माँ की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि तुम घर चलो, केक का बेटा भी हमें ज्वाइन करने वाला है, इस तरह तुम्हारे पास एक भाई भी होगा। हीरो कहता है, मैं किसी भी नाली के कीड़े को अपना भाई नहीं मानने वाला। तो उसके डैड कहते हैं, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हीरो कहता है, मैं उसे अपना भाई मानने से पहले मरना पसंद करूंगा। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो। वो तुरंत उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर से नीचे फेंकने ही वाले होते हैं। सैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हीरो भी अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है जैसे वो गिरने के लिए तैयार था, पर तभी उसके डैड उसे छोड़ देते हैं। हीरो उनसे कहता है, अगर आप ये सबसे सेटिस्फाइड हो चुके हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारा घमंड ऐसे नहीं टूटेगा, अब से तुम्हें कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को भी मैं सील करवा दूंगा, देखते हैं कि तुम एक गरीब की तरह कितने टाइम तक जी पाते हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हीरो भी खड़ा सोचने लगता है, एक गरीब की तरह, और उसे तुरंत पॉप का ख्याल आता है। वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पॉप काम करता था। हीरो ने भी वहां पर जॉब ज्वाइन कर ली थी। पॉप उसे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मेरा व्लॉग चैनल भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।